इन छह राशियों के बुरे समय का हुआ अंत। आज से होगी शुभ समय की शुरुआत। देवों के देव महादेव यानी ओघरदानी भोले शंकर के पुत्र गणेश की महिमा निराली है। शास्त्रों के अनुसार हर दिन किसी न किसी भगवान का विशेष दिन माना जाता है। वहीं श्री गणेश जी की पूजा का विशेष दिन बुधवार को माना जाता है। जिनके ऊपर बुधवार ग्रह का प्रकोप होता है, उन्हें बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति भगवान गणेश जी सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उनके ऊपर गणेश जी की दया भाव बनी रहती है और उनकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने लगती है। बता दें कि स्वयं समृद्धि सिद्धि विनाशक बुद्धि के दाता भगवान गणेश का नाम किसी भी कार्य के आरंभ करने से पहले लिया जाता है। हर कोई के जीवन में कुछ न कुछ समस्या आते ही रहता है। वहीं आपको बता दें कि इन समस्याओं को झेलकर एक न एक दिन व्यक्ति उब जाता है और वो इंतजार करता है कि कब भगवान उन पर कृपा करेंगे, कब उसके दुख के दिन बीतेंगे। आपको बता दें कि व्यक्ति के जीवन में जो भी घटना घटित होता है वो ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि लोग इससे छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष का सहारा लेते हैं। वहीं अगर ज्योतिषों की माने तो कुछ राशि वालों के लिए अब अच्छा समय शुरू हो गया है और इनके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि 20 अक्टूबर से यह छह राशि वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे। भगवान श्री गणेश जी की कृपा दृष्टि इन छह राशियों के लोगों पर बने रहेगी। इतना ही नहीं, इन राशि वाले जातकों के काफी पुराने काम जो रुके हुए हैं सब पूरे हो जाएंगे। आपके ऊपर से पैसों की तंगी पूरी तरह से दूर होगी और आपका जो भी कर्जा है सब खत्म हो जाएगा। आपसी मतभेद से आप थोड़ा सा दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इन राशि वाले जातकों के परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और इसके अलावा इनके सेहत से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में बहुत ही मन लगेगा और हो सके तो ये अपने समय की थोड़े से कदर करें, क्योंकि प्यार के मामले में कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा सोचिए। इन राशि के लोगों को किसी नए कार्य की शुरुआत करने से आपको धन लाभ होगा और रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं। आप अपने घर परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आपके द्वारा की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। गणेश जी की कृपा से इन राशि वालों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे इनके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और खुशियां ही खुशियां इनको मिलेंगी। महान योजनाओं को साकार करने का समय है। आपको शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आपको बता दें कि जिन राशियों के बारे में हम बात कर रहे थे वो राशियां कोई और नहीं बल्कि मेष, तुला, सिंह, मिथुन, कुंभ और मीन राशि है। जी हाँ, इन्हीं राशि वालों के शुभ समय की शुरुआत होगी।